अब पुल पर से पकड़ के लाया, खूब मारा, हम लोग गए तो हम लोग के रखे दाए, हमको भी मारे, रोड पर से पकड़ के मारा है, रोड पर से। वरुण सिन्हा जो आता है, ठीक है, हम आए हैं, हम ठीक है, बर्दिन है, हम जो काम से आते हैं वही काम न करेंगे। आए आप रोने से आते हैं, डायरेक्ट उतरता है, लाठी चलाना स्टार्ट कर देता है, अगी शेर तो मारते आया, अब बोल जब बोल रहा था तो मार रहा मुँह में, क्या काम, गंदा गंदा गाड़ी भी देता है, बहिन मतारी नहीं देखता है वो, कोई कसूर ना, बिन कसूर के हम देखे, जब आते जब मार के जाते हैं। सिपाही आया, हम लोग घर में तैयार हो रहे थे ब्याह शादी जाने के लिए, और घर में निकले बाहर ना, तो हमको भाग गया, फोन पर फोन करे ना तो बताए तो चल गया, लड़की यहाँ खरीदार बैठा हुआ था तो वो नहीं छोड़ा, लड़का को फेंक फेंक के मारा था, बहू के बेटी के सबके हाथ बांह पकड़ती है तो कब छेक छाड़ करती है, क्या बोल रहे थे, पहले कोर्ट में गए ना तो हमको भाई को पकड़ा ना, वो बोल रहा ना कि बहन जमान जमान है, ऐसे बोल रहा था हमको भाई को, कौन सिपाही बोल रहा था, थाना में ले जाकर यूँ मारा है, थाना में भी ले जाके मारा, बंद करके के मारी माँ को, मगर यहाँ एक तम सारी नहीं ना, तो जैसे मारता ना, इतना प्रशासन आया कर मारेगा ना, सारा पब्लिक उड़ जाएगा ना, तो एको सिपाही के यहाँ देश नहीं है मारने का, क्या करिएगा, मजबूर है हम लोग, यहाँ साल भर से अपना खेल खेल रहा है, दिखा थाना स्कूल है, पाँच को लेडीज को ले गया तो बोलता है क्या चीज की, अपने से बैठ के आया, अपने से बैठ के आवेगा, स्कूल है कि मैं जाएंगे पढ़ने, प्राइवेट में जाएंगे, सरकारी में नहीं जाएंगे, पकड़ लीजिए आप पकड़ के ले जाइए थाना में, तो थाना में नहीं ले जाते, गाड़ी घुमा कर 10,000 और से ले लीजिएगा, लगने से आगे छोड़ दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। दीघा का ताजा ताजा वीडियो वायरल हुआ है, अभी हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, पहला वीडियो देखिए, वीडियो में किस प्रकार एक माँ को उसके बच्चे के सामने पुलिस वाले मार रहे हैं, किस लिए मार रहे हैं ये वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद आप बताइएगा। चलिए, तो आपने ये वीडियो देख लिया, मैं इस समय अभी दिघा मुसड़ी के पास मौजूद हूं और यहां के लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर कारण क्या था कि एक बच्चे के सामने उसके मां को इस तरीके से दरिंदगी के तौर पर पीटा जा रहा है, तो यहां के लोग से हम बात करेंगे। क्या नाम है बुन्नी? फुलझड़ी देवी नाम है। क्या हुआ था घटना में? सिपाही आया, हम लोग घर में तैयार हो रहे थे ब्याह शादी जाने के लिए, और घर में निकले बाहर ना, तो हमको भाग गया, फोन पर फोन करे ना तो बताए तो चल गया, अब पुल पर से पकड़ के लाया, खूब मारा, हम लोग गए तो हम लोग के रखे दाए, हमको भी मारे, आपको भी मारा, बच्चा को रोने वाला था, आयो गए, आयो गए, आयो गए, आदमी ने था ना, मैं लड़ चल था, यू नहीं छोड़ा, क्या पोर घुलाट घुलाट रो रहा था, आई बच्चा पूरा रो रहा था, ठाड़ हो गया था, यू नहीं छोड़ा। हाँ, वीडियो में दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा ना, यही इसी दे है, दिखाई दे रहा है रोड पर, अब पूरा मारा है, शादी ब्याह में हम लोग जा रहे थे, शादी ब्याह में सब सास मर रहा था, हमको भाई पहन के गया, अब पागल था और पुल पर पागल ढेला मारा, हमको भाई के मारा, अगी शेर तो मारते आया, अब बोल जब बोल रहा था तो मार रहा मुँह में, फट पर मुँह में ना मारता, उसका मतारी भी बोलने गया तो उसको मतारी को मारा, खूब आइन साइन करके मारा, ऐसा लड़की यहाँ खरीदार बैठा हुआ था तो वो नहीं छोड़ा, लड़का को फेंक फेंक के मारा था, आइए करो भी पूरा एक लड़का घुलाट घुलाट रो लगी, रेड मारा, किस लिए रेड मारे थे? पुलिस क्या लाया था? दारू के बारे में आता है। अच्छा, तो यहाँ पर धराएगा तभी ना मारेगा, शराब नहीं पकड़ा ना, कुछ भी नहीं, रोड पर से पकड़ के मारा है, रोड पर से मतलब डर कसूर के मारा है। जेंट्स पुलिस वाले आते हैं, महिला को भी मारते हैं? हाँ, महिला को जेंट्स पुलिस, अरुण अरुण किसका नाम है, वही सब पहले उसका आता है, वही मारने आता है, अरुण अरुण सिंह, हाँ अरुण सिंह, और वही लड़का आता है, वही मारला कहता है, वही लड़का, हाँ वही लड़का आता है, पहले आता है, क्या क्या बोल रहे चाची? बरूने सिंह पकड़ के लेडीज के हाथ में देता है और मारता है लेडीज के, अरुण सिंह, बरुण सिंह, बरुण सिंह, वो खुद महिला को पकड़ता है, हाँ अब महिला के मारता है, पहले वही मारता है, हाँ पकड़। देखिए किस प्रकार से कहा जाता है कि कानून वाले ही वर्दी पहन के, अब वर्दी का अपमान कर रहे हैं, इसमें साफ साफ यहाँ के महिलाएं लोग कह रहे हैं कि वरुण सिंह है कोई थाना प्रभारी, आइए आइए आइए, इधर आइए इधर आइए इधर आइए आइए,
क्या वरुण सिन्हा जो आता है ठीक है, हम आए हैं, हम ठीक है बर्दिन है, हम जो काम से आते हैं वही काम न करेंगे। आए आप रोने से आते हैं, डायरेक्ट उतरता है, लाठी चलाना स्टार्ट कर देता है, मारता है तो लेडीज क्या कोई बेकसूर है कि बेकसूर ना है, मुजरिम है अथवा नहीं, कुछ नहीं नहीं देखता है, डायरेक्ट मारना स्टार्ट करता है, डायरेक्ट मारना। हाँ बूढ़ रहा था पुरानिया रहा, सबके गाड़ी आता है तो खराब खराब गाड़ी सबके। हाँ क्या बोल रहे थे, कोई कसूर ना, बिन कसूर के हम देखे जब ऐतन जब मार के जैतन, अब कसूर रहेगा तब ना मारिएगा, जब कसूर नहीं रहेगा तब से मार दीजिएगा। बहू के बेटी के सबके हाथ बांह पकड़ती है तो कब छेड़छाड़ करती है, अब नहीं बोलेगा इसलिए ना सबके अथी कर रहा है। पुलिस वाला इंस्पेक्टर सब तीस लेडीज उसे लेडीज नहीं मानती है, जेंट्स घर पकड़ करता सिपाही जेंट्स पुलिस। हाँ हाथ बांह पकड़ती है, घर में छकाती है, छाती है, बांह धर लेती है सबके। अब क्या करेगा, ये लेडीज रहेगा तो पकड़िए लेगा तो वो बोलेगा, कोई नहीं बोलता, इसीलिए डर नहीं बोल रहा है कोई। क्या बोल रहे कोर्ट में गए तो हमको भाई को पकड़ा ना, वो बोला ना कि बहन जमान जमान है, ऐसे बोल रहा था हमको भाई को। कौन सिपाही बोल रहा था, थाना में ले जाकर यूँ मारा है, थाना में भी ले जाके मारा बंद करके के मारी माँ को। हाँ आता है ना तो पैसा का सबके घर द्वार में रहता ना तो चुरा लेता है, चोरी कर लेता है घर में से, नया नया कपड़ा भी लेकर चल जाता है, सिंगार बना लेकर चलता है, गहना जेवर गहना गुड़िया सब लेकर चल जाता है सिपाही लेडीज पुलिस। हाँ सब भी ले जाता है लेडीज जैसे दोनों भी कि वीडियो बना के सगरो भेज दलो तो सिपाही अनका चुका दलो, वीडियो करके भेज दलो तो कोई काम ना करता, जे काय थल कुछ भी नहीं होगा ऐसे और खूब बोली थल। हां देखिए यहां के महिला कितना नाराज है, उदास है, बताइए तो उस पर का आप लोग कंप्लेन नहीं किया गया, कंप्लेन मार लगे गए मतरिया के जलन मार लगे बांध करके के मारी मार लगे, आपको भी मारा पूरा ना, हमको मम्मी को मारा, हमको भी उमा मारा है, छुड़ाने जाते ना तो करेंगे, कोई साथ नहीं दे रहा था, कंप्लेन कहाँ से करेंगे, यहाँ के आप लोग सब एकत्रित होकर कंप्लेन नहीं किए, एकता नहीं ना हो रहा है, कोई उसका भी मारे कल उसका भी मारता, इसलिए सब देखते रहेगा, तो कोई साथ नहीं ना दे रहा था, हम दो घर हम दे जा क्या करेंगे, जेल खटाने के भी यहाँ जेल खटा दिया है, मगर यहाँ एकता मुसरी नहीं ना, तो जैसे मारता ना इतना प्रशासन आया कर मारेगा ना, सारा पब्लिक उड़ जाएगा ना, तो एको सिपाही के यहाँ यह देश नहीं है मारने का, क्या करिएगा, मजबूर है हम लोग, यहाँ साल भर से अपना खेल खेल रहा है दिग्गत थाना, दिग्गत थाना। हाँ छापा मारने का देश है, बेटी बहू का कोई इज्जत नहीं है, हम लोग का बेटी बहू का कोई इज्जत नहीं है, छापा मारने छापा मारिए, छापा मार के नहीं मिलेगा तो आप जाइए तो ठेकानी उतारिएगा मारने लगिएगा, दिग्गत थाना किसके लिए, पब्लिक के लिए है, पब्लिक थाना पर चढ़ के जाते तो थाना पर गाड़ी देता है, थाना पर थाना पर जाता तो बेकसूर का कुछ भी नहीं, कुछ भी क्या, उसका मार कर दे, दारू का छुपा दिए, मारा जेल में, बोला कि तुम दारू लियो ना, बोलो नहीं तो छोड़ देंगे, यही बहाना कर जबरदस्ती की कहोगे, जबरदस्ती नहीं तो कोई को बैठ जाएगा, स्कूल है कि जाएगा दीघा थाना में पढ़ने के लिए, रोटियां बना रहे स्कूल है, अरे पांच को लेडीज को ले गया तो बोलता है क्या चीज की, अपने से बैठ के आया, अपने से बैठ के आवेगा, स्कूल है कि मैं जाएंगे पढ़ने, प्राइवेट में जाएंगे सरकारी में नहीं जाएंगे, कि खोल के ले जाए, जहाँ बंद हो जाए जा रहे जहाँ से खोल के ले जाए सबके, अब मार के हाँ के लगा है कि मार के हाँ के लगा है सबके, अगर चलिए पकड़ के देश से पकड़ने का, जब पकड़ लेता है तो पकड़ के जब थाना में ले जाने का आदेश होता ना है, पकड़ लीजिए आप पकड़ के ले जाइए थाना में, तो थाना में नहीं ले जाते, गाड़ी घुमा कर 10,000 और से ले लीजिएगा, लगने साझे छोड़ दीजिएगा, नहीं तो साझे ले जाते घुसके रहता ना, पैसा ले लेते हैं 10,000-20,000 और छोड़ देते हैं, एकरा से बढ़िया पकड़िए मगर आप ले जाइए थाना, चलान करे तो पैसा लेते हैं 10,000 ले जाके छोड़ देते हैं, आए तो पैसा पर नहीं चल रहे हैं आप लोग, देखिए तो किस प्रकार से यहाँ के लोग जितने भी रो कर बहन लोग यहाँ सब बोल रहे हैं कि पुलिस वाले दिग्गा थाना के जितना भी पुलिस है वो आते हैं, जेंट्स पुलिस वाले होने के बावजूद भी महिलाओं को बेकसूर को बिना मतलब के बिना दोष के बहुत मारते हैं पीटते हैं, यहाँ के घर में हेलते हैं, चोरियाँ करते हैं, बहन बहू बेटी का हाथ पकड़ते हैं, छाती पकड़ते हैं, जिस प्रकार से यहाँ के लोग बता रहे हैं, मतलब दिग्गा थाना जो है बहुत बहुत अन्याय कर रहा है, वर्दी पहन के भी वर्दी का
मतलब अपमान कर रहा है, ऐसे लोग वर्दी पहनने के लायक नहीं। इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा पुलिस वालों को समझाइए कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक आपका मालिक है और पब्लिक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार आप कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद।